वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. द टॉपिक इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं कि यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से ये केमिकल्स रिएक्ट करते हैं बेसिस वाला या एल्कली के साथ और क्या क्या फॉर्मेशन होती है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास टेंथ में सबसे ज़्यादा केमिकल इक्वेशंस इसी चैप्टर से आती हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखें. हम इसमें बेसिकली आपकी सारी केमिकल इक्वेशंस ही कवर करेंगे. साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ़ यू वांट द फुल चैनल एक्सेस देन गो एंड पे ₹119 पर मंथ. और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें फॉर डेली अपडेट्स. लेट्स स्टार्ट. देखिए हम लोग बहुत इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप लास्ट 10 ईयर्स से देखें या 15 ईयर्स से देखें ओनली केमिकल इक्वेशंस ही आती हैं. उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता. तो हम लोग इसमें जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुका है उसी से ज़्यादा फोकस करेंगे. तो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन होती है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है. तो अगर नॉर्मली बात करें तो सिंपली कहा जाता है कि प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड वेन सोल्यूशंस आर मिक्स. जैसे अगर मैंने ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन को मिक्स करा मान लीजिए एक जार में, तो उनको मिक्स करने के बाद जो सॉलिड था वो जो डिजॉल्व नहीं हो पाया पूरे लिक्विड में, जैसे ए मान लीजिए एक लिक्विड और बी भी एक लिक्विड था, पर जब वो दोनों बने तो उन्होंने एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनाया जो अभी भी डिजॉल्व नहीं हो पा, दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट. और ये प्रेसिपिटेट का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. ये एक मार्क की डेफिनेशन आती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट टू द मेन टॉपिक कि एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन सर्टेन मेटालिक सॉल्ट. ठीक है, क्या अभी हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की. ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग दूसरा नेम बोलें, कभी कभार लोग इसको एड्रेस करते हैं एज अ कॉस्टिक सोडा, तो हमें दोनों नाम पता होने चाहिए. तो मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू, इसका दूसरा नाम भी है कॉस्टिक सोडा, इसको याद रखिएगा. ठीक है, कई कई एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉस्टिक सोडा रिएक्ट्स विद एल्कली, तो याद होना चाहिए. अगर हम लोग बहुत बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो एक बहुत सिंपल आपका, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो इट इज सॉल्ट सोल्यूशन प्लस एल्कली. हम लोग जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, सिंपल एक तो बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और मेटल हाइड्रोक्साइड की हमेशा आपको पीपीटी ही फॉर्म होगी, तभी मैंने प्रेसिपिटेशन बोला था. नेक्स्ट आपको मिलेगी सॉल्ट फॉर्म्ड. ठीक है, सॉल्ट मिलेगी दैट इज फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन. ओके, नाउ लेट्स सी आखिर एक्चुअल में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी इक्वेशंस. लेट्स स्टार्ट विद, अगर कैल्शियम की बात करें तो अगर कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट लेनी है हमें, खाली कैल्शियम लेना, तो सॉल्ट बनेगी लेट्स टेक इट Na3O2. ठीक है, हमने कैल्शियम नाइट्रेट लिया और इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं है. तो और हमने कॉस्टिक सोडा के साथ मिक्स कर दिया. ठीक है, ये आपने करा, ये भी कलरलेस है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कलरलेस. तो हम लोग जो रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या बनाना है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनानी है. तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये वाला पार्ट हमें यहाँ ले जाना है और इसका ये वाला पार्ट वी विल टेक इट हियर. लेट्स डू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज CaOH2 प्लस 2NaNO3. दिस इज, हमने क्या कहा था, सॉल्ट फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन. सॉल्ट क्या बनेगी हमारी, सोडियम नाइट्रेट. क्या बनेगी, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, और इधर आपको क्या मिलेगा, हमने क्या कहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड तो ये डिनोट कर ही रहा है, ये डिनोट कर रहा है. अब क्या करना है, इधर लगा देना है केमिकल, इसका नाम क्या है, कैल्शियम. तो हमें बना देंगे इसे, दिस डिनोट्स कि ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट. ठीक है, अब बात करें कलर की, क्योंकि कलर इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस. तो इसका कलर रहता है वाइट और ये एज सेम कलरलेस रहता है. ओके, अब बात है कि सॉलिबिलिटी ऑफ द पीपीटी. अगर हमने और ज़्यादा डाल दिया, हमने कॉस्टिक सोडा और डाल दिया, और डालो. ठीक है, क्योंकि हमें पीपीटी हटानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत स्प्रैंकली सॉलिबल है. ओके, अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. अगर आयरन की बात आती है, ठीक है, और आयरन में भी फेरस मतलब Fe2+ वाले जो आयन्स हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंपल FeSO4 हमने सॉल्ट ले ली, तो इसे क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट. दिस इज पेल ग्रीन इन कलर, पेल ग्रीन इन कलर. इसको ऐड करेंगे 2NaOH, दैट इज अ कॉस्टिक सोडा. एज यूजुअल ये कलरलेस रहेगा, ये भी कलरलेस है. उसके बाद हमारे को मिलता है फेरस हाइड्रोक्साइड. फेरस हाइड्रोक्साइड ये होती है डर्टी ग्रीन या जेलेटेनियस पीपीटी. ठीक है, इसको डर्टी ग्रीन भी कह सकते हैं, दैट्स मोर देन इनफ, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं.
प्लस टू एन ए टू एस ओ फोर, ठीक है, और दिस इज अ सोडियम सल्फेट सॉल्ट हमें मिल चुकी है, दैट इज ऑल्सो कलरलेस, ये कलरलेस है सारी, ठीक है। और फिर अगर इसकी भी बात करें कि अगर हमने और कॉस्टिक सोडा डाला, क्योंकि हमें पीपीटी रिमूव करने है, कोई फायदा नहीं है, इट इज इनसॉल्युबल, 100% इनसॉल्युबल ही रहती है ये। ओके, ये था। अब और बात करते हैं, अगर मैंने अभी आयरन को फेरिक के साथ कर दिया, आयरन में फेरिक, मतलब फेरिक डिनोट्स एफ ई थ्री प्लस, मतलब थ्री आयन्स वाला, तो ये क्या होगा, एफ ई सी एल थ्री हमने सॉल्ट ले ली, उसको ऐड करवाया फिर से कॉस्टिक सोडा के साथ, तो ये क्या बनेगा, एफ ई ओ एच होल थ्राइस, दैट इज द फेरिक हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ थ्री एन ए सी एल। देखिए अब इसमें एक बार कलर देख लीजिए, दिस इज कलर लेस, कोई कलर नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग बात करते हैं तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनती है, दिस फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है। और ये आपको पता है आपका कॉस्टिक सोडा फिर से कलरलेस है, और ये येलो कलर की होती है आपकी फेरिक क्लोराइड। ओके, अब फिर वही बात आती है कि अगर हमने और ऐड करा पीपीटी टू द एक्सेस, जो हमारी पीपीटी बनी है, ये जो हमारी पीपीटी बनी है, हम इसमें और ऐड करेंगे वो आपका एन ए ओ एच, तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन, पीपीटी जो है वो बनी रहेगी, इट इज़ इनसॉल्युबल। ओके, अब बात करते हैं कॉपर सॉल्ट्स की। अगर मैंने सी यू एस ओ फोर लिया प्लस टू एन ए ओ एच ले लिया, तो इट विल फॉर्म सी यू ओ एच होल ट्राइस, ठीक है, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस एन ए टू एस ओ फोर, इट इज़ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं है। और इसमें भी यही है कि अगर आप एक्सेस में भी अगर डाल दोगे कॉस्टिक सोडा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ इनसॉल्युबल। अब कलर की बात कर लेते हैं, दिस इज ब्लू इन कलर, कलरलेस, ओके, एंड दिस इज कलरलेस एंड दिस इज पेल ब्लू, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जिंक सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये। देखिए जिंक पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, मैं एक बार आपको कलर्स बता देती हूँ, दैट आर मोर देन इम्पॉर्टेंट। जेड एन एस ओ फोर, ओके, प्लस टू एन ए ओ एच, दैट गिव्स यू जेड एन ओ एच होल ट्वाइस, और ये पीपीटी आपकी बन चुकी है। ओके, और आप पीपीटी बनने का डिनोट कर सकते हैं नीचे एक एरो बना के, एन अपसाइड डाउन एरो, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अब इधर कलर्स देख लेते हैं हम लोग एक बार, दिस इज द वाइट जेलेटेनियस पीपीटी, इसको वाइट पीपीटी या फिर जेलेटेनियस भी आप लिख सकते हैं। ओके, दिस इज कलरलेस एंड जिंक इज ऑल्सो यहाँ पे कलरलेस, उसमें कोई अलग नहीं है। पर इसमें एक अलग ट्विस्ट आता है कि अगर हम इस पीपीटी पे जेड एन ओ होल ट्वाइस पे, दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड पे, अगर हमने और डाला कॉस्टिक सोडा तो क्या होगा एक्सेस फॉर्म में, तो देखिए ये बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, जेड एन ओ होल ट्वाइस टू एंड टू एच टू ओ, ठीक है, ये क्या बन गया आपका सोडियम जिंकेट विच इज कलरलेस। मतलब अगर आप वाइट वाले पे जो पीपीटी बनी है आपकी जिंक हाइड्रोक्साइड की, उस पर अगर आपने एक्सेस में कॉस्टिक सोडा डाला तो क्या होगा, इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट विच इज कलरलेस, ठीक है, ये था आपका इसमें अलग, ये ट्विस्ट है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लेड सॉल्ट, कि आखिर लेड सॉल्ट पे क्या होगा, लेड सॉल्ट मतलब पीबी, ठीक है, इट इज पीबी की टू आइंस, ठीक है, टू प्लस आइंस, तो देखिए एक बार पीबी एनओ थ्री होल ट्वाइस प्लस, ये मैं इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट, नेट नाइट्रेट पर मैं लगाया कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल बी फॉर्मिंग लेड हाइड्रोक्साइड पीपीटी वाइट कलर की, एंड देन अगेन इट विल फॉर्म टू एन ए एन ओ थ्री, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अलग है, अब ये कलरलेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज कलरलेस, कलरलेस एंड कलरलेस। अब बात करते हैं कि आखिर क्या होगा जब एक्सिस लेड हाइड्रोक्साइड पे, दैट इज पी बी ओ एच होल थ्राइस पे, और अगर हमने कॉस्टिक सोडा ऐड कर दिया तो एक्सिस फॉर्म में, सो इट विल फॉर्म सोडियम प्लम्बाइट, इट विल फॉर्म सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट, ओके, दिस इज द नेम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खाली ये जिंक के फॉर्म में और सोडियम के आपका लेड के फॉर्म में होगा और किसी में नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स में, अमोनियम मतलब एन एच फोर कैसे होगा, तो इसको भी एक बार देख लीजिए, अमोनियम आइंस को एन एच फोर सी एल प्लस एन ए ओ एच, इट विल फॉर्म ऑन हीटिंग एन ए सी एल, ठीक है, प्लस एच टू ओ प्लस एन एच थ्री, ओके, इसमें ऐसा एज सच कलर्स वगैरह का नहीं रहता है। और अगर इसकी हम लोग सिंपल बात करें तो ये सिमिलर बिहेवियर शो करता है जैसे आपका नॉर्मल, जो आप नॉर्मल सबके साथ करते हैं वही नॉर्मल बिहेवियर है, और अगर आप इस पर और ऐड करेंगे तो डजंट इवन मैटर्स, इसमें अलग से आपको कुछ नहीं करना, ये इजी था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर एक्शन, तो हमने मेटल्स के ऊपर बात करी थी, अगर कुछ सॉल्ट्स हो गई, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वी वर यूजिंग ओके एल्कली,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कली को हटा के कुछ सॉल्ट्स लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी द पिक्चर व्हाट हैपेंस। तो एक बार इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर जनरल फॉर्मूले में क्या रहता है। और अब इसमें बात करेंगे, पहले हमने किसकी बात करी थी, NaOH की। अब हम किसकी बात करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स द पिक्चर चेंज, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपको देखिए, इसका अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो रहता है एक तो आपका सॉल्ट सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH शॉर्ट में, डायरेक्टली मैंने वही लिख दिया है। तो आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन। तो सॉल्ट फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन, और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सॉल्ट, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो पीपीटी बनी है उसका क्या करना होता है। ओके लेट्स सी, ये आपका जनरल सोल्यूशन है कि आपको अगर जहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो आपको किस तरह से आपको रिएक्शंस करवाने हैं। ओके नाउ लेट्स सी, पहला आता है अगर हम लोग बात करें कैल्शियम की, तो इसको आपके पास एक मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नो रिएक्शन, नथिंग। ओके, इट डज नॉट रिएक्ट इवन ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ इट, इट दिस इज बिकॉज OH जो आयन्स होते हैं, OH माइनस आयन्स आर फॉर्म फ्रॉम द आइसोलेशन आयोनाइजेशन ऑफ NH4 एंड दे आर सो लो दैट दे कैन नॉट प्रेसिपिटेट टू द हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रेसिपिटेट ही नहीं हो पाते, बन नहीं पाते, दैट्स वाई इट्स आप। ओके, अब बात आती है आयरन की। देखिए आयरन में भी फिर से होएगा आपका फेरिक सॉल्ट, फेरस सॉल्ट और फेरिक सॉल्ट, ठीक है। इधर हमने क्या करा, फिर 2Na4OH के साथ मिलाया, तो इट फॉर्म्स FeOH होल ट्वाइस, दैट इज द PPT प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। देखिए इसमें आपको न्यूमेरिकल्स में और कुछ नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली बस इक्वेशंस पूछे जाएंगे, तभी हम डायरेक्टली इक्वेशंस पे ही फोकस कर रहे हैं। मैं उनके कलर वाला आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। और इट विल फॉर्म अ डर्टी ग्रीन PPT। ओके, डर्टी ग्रीन PPT मिलती है और ये कलरलेस रहता है और ये भी कलरलेस रहता है। अब मेन बात आती है कि अगर हमने इस PPT पे एक्सेस में ऐड करा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं कि चलिए अब एक बार फेरिक के साथ करते हैं, FeLCl3 प्लस 3NH4OH एंड दिस इज FeOH होल थ्राइस, ये PPT बन गई आपकी, प्लस 4NH3NH4Cl, ठीक है। अब क्या हो गया था, कलर्स की एक बार बात कर लेते हैं, कलर्स में क्या रहेगा, दिस इज द येलो सोल्यूशन और येलो सोल्यूशन कलरलेस रेडिश ब्राउन PPT आपको इधर मिल रही है, रेडिश ब्राउन। ओके, और ये क्या रहेगा, कलरलेस, और अगर लोग एक्सेस में भी इस PPT पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते तो कुछ नहीं होने वाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा इससे ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर सॉल्ट की, कि आखिर कॉपर सॉल्ट्स में क्या रहता है। तो देखिए एक बार कॉपर सॉल्ट का इजी एग्जांपल है, एक बहुत CuSO4 प्लस 2NH4OH विच गिव्स CuOH होल थ्राइस, ओके, प्लस NH4 एंड का होल थ्राइस प्लस NHSO4, ठीक है। ये बात आती है, अब देखिए ये ब्लू कलर है, दिस इज योर ब्लू कलर, दिस इज कलरलेस एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस एंड दिस फॉर्म्स अ पेल ब्लू जस्ट लाइक वी हैव डन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये पेल ब्लू हो गया और इसमें भी यही सेम है, इसमें अलग है। देखिए इसमें क्या होता है, आयन क्या होता है, आपका सिंपल क्वालिटेटिव एनालिसिस की वजह से, या फिर हम सिंपल अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें, अगर एक्सेस हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इट विल डिजोल्व, इट इज सॉलिबल, ठीक है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं पूछना आपसे। अब बात करते हैं कि आखिर जिंक में क्या होता है, बस इसके एक बार रिएक्शंस देख लीजिए, बाई चांस अगर गलती से आ गई तो, ठीक है। इट विल फॉर्म, देखिए जो आपका ये PPT बनी है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ हमने क्या डालना है, NH4OH, तो देखिए ये इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपके LHS को, और प्लस 2NH4OH, ठीक है, हमने और ऐड करा, तो इट विल फॉर्म डीप ब्लू सोल्यूशन ऑफ टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा, इट विल बी CuNH3 4SO4 प्लस 4H2O। ओके, ये बनता है फिर इन दी एंड में, दिस इज द डीप ब्लू सोल्यूशन, डीप ब्लू सोल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ओके, अब बात आती है कि जिंक के साथ क्या होता है, हाउ इट बिहेव्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद जिंक। तो जिंक का भी इजी है, नथिंग एज टू मच, देखिए ZnCl2 प्लस 2NH4OH, ओके, इट विल फॉर्म ZnOH होल थ्राइस, और फिर आपकी PPT बनती है, वही वाइट कलर जेलेटेनियस PPT जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था। फिर इस PPT को हम लोग लेकर जाएंगे, ये कलरलेस होते हैं बाकी सारे, ठीक है।
इस पीपीटी को हम लोग अगर फर्दर इसमें ऐड करते हैं, आपका देखिए फर्दर ऐड कर दिया मैंने यहीं से ही 4NH4OH, इसको पूरे को हमने ले लिया Cl, सॉरी दिस इज योर Cl प्लस और फिर 2NH4OH हमने पूरा ले लिया, तो इट विल ऑल्सो फॉर्म टेट्रामाइन जिंक क्लोराइड, जो हमने उधर कॉपर क्लोराइड अभी पढ़ा था, टेट्रामाइन जिंक ऊपर कॉपर, इधर नेम चेंज कर देंगे, खाली जिंक क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे, ये बन गया आपका जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस 4H2O, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछते ये लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि आखिर एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स, कि अगर हमने एल्कलीज को मेटल पर रिएक्ट करवाया तो व्हाट इट फॉर्म्स। तो देखिए इसका अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो जिंक प्लस एल्कली गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिंक मैंने इधर मेटल था, जिंक ले लिया, एल्कली 2,4-NaOH इधर ले ली, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, ये मैंने बना ली सॉल्ट, ओके, प्लस हाइड्रोजन मैंने इवॉल्व करवा दिया, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, क्या कहते हैं हम लोग इसको, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अगर इससे कलर पूछा जाएगा तो ये कलरलेस होती है, दिस फूड शुड बी ऑलवेज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तभी ये रिएक्ट करेगा, ओके। अब एक और बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, लेट्स मेक इट फॉर KOH, अगर ये यहाँ पे KOH होता तो ये क्या बन जाती, पोटैश सॉल्ट बन जाती, सिंपल ZnO2, और बाकी तो आपका सेम ही रहता, ओके। अब यही सिंपल अगर एल्यूमिनियम की बात करें, व्हेन हाउ इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, तो 2Al प्लस 2NaOH प्लस, देखिए ये रिएक्ट करता है ओनली विद बॉइलिंग एंड हॉट एल्कलीज, तो हमने बॉइलिंग के लिए हमने वाटर भी इधर ही ऐड करवा दिया, तो इट विल फॉर्म NaAlO2 प्लस 3H2O, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, इट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है, उससे ज़्यादा आपसे टफ पे नहीं पूछा जाएगा। अगर के ओ एच होता है यहाँ पे, मेक इट के ओ एच, तो इट विल फॉर्म सिंपल 2KaLO2, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अब के आ गया तो पोटेशियम, और पीछे का पूरा सेम रहेगा मेटा एल्यूमिनेट, ओके। इससे ज़्यादा आपसे नहीं आता पूछने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्हें भी पता है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर द 11th और हायर स्टडीज, अभी ये आपका 10th है, बेसिक्स है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, अगर यही सेम सिनेरियो हो जाता, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, अभी हमने क्या बात करता ऑन सर्टेन मेटल्स, अब हम लोग कह रहे हैं कि आखिर मेटल ऑक्साइड पे कैसे होगा, तो इसका भी एक बार देख लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, कि अगर हमने सिंपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले ली, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, और हमने इधर इनके साथ ऐड कर दिया, ठीक है, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, ये जो भी आप लिखना चाहें यू कैन राइट, ठीक है, प्लस एल्कली, ठीक है, तो क्या होता है, या तो हम ये लेंगे या ये लेंगे, इधर से फिर हमने क्या करा, सॉल्ट और वाटर हमेशा बनता ही है, तो अब इसका एक बार देख लीजिए, बहुत ईजी है, देखिए ZnO ले लिया मैंने, प्लस 2NaOH ले ली, ठीक है, मैंने क्या लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड ले ली, या जिंक ऑक्साइड ले सकते, तो मैंने पहले जिंक ऑक्साइड ली, प्लस NaOH, इट विल फॉर्म सिंपल Na2ZnO2 प्लस 2H2O, ठीक है, तो ये क्या बना, सोडियम जिंक के, जैसे हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका वाइट कलर का रहता है। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या करना है, अब इसको सिंपली, अब हम लोग किससे करेंगे इसको रिएक्ट, सॉरी वी विल रिएक्ट विद KOH, तो KOH में क्या होएगा, K2ZnO2, सेम सिनेरियो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ZnOH होल ट्वाइस ले लेती हूँ, हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaOH कर लिया, तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म द सेम सॉल्यूशन, ओके, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, तो खाली बस आपकी वाटर की बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ डबल हो गया, और उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इट्स द सेम थिंग ओनली, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस विद एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम का भी सेम सिनेरियो है, नथिंग डिफरेंट, प्लस 2NaOH, ठीक है, तो ये होता है 2NaAl होल ट्वाइस प्लस O2 एंड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको वाइट है तो ये वाइट ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता चेंज में, और इसको हम लोग कहते हैं दिस 2NaAlO2 इज नोन एज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। अब मैंने क्या करा, लेट्स चेंज, मैंने हाइड्रोक्साइड कर दिया, ओके, हमने चेंज कर दिया, तो इट विल फॉर्म 2NaOH, और यहाँ पे हमने ले लिया, सॉरी यहाँ पे बैलेंसिंग चेंज हो जाएगी, अब नाउ दिस विल फॉर्म, ये आपका बनेगा प्लस 2H2O,
ये से टू है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है, क्योंकि आपको बस सिंपल वो जो आप पहले पढ़ चुके हो वो ही रहेगा, खाली आपको बस देखना है कि क्या चेंज होता है। आपको पता है जब क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड या फिर एम्फोटेरिक कोई भी हाइड्रोक्साइड एल्की से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ऑफ वाटर बनाना है, हमें सॉल्ट बना दिया, इधर हमने वाटर बना दिया, उससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये था, हमने पहले देखिए वाटर अलग से ले लीजिए, आपने एच ले लिया इधर से, एच आपके पास टू था तो एक एच इधर से ले लिया आपने, ओ टू भी निकाल लीजिए। अब ये क्या बचा, बाकी को आप ले लीजिए ऐसी और उसको बैलेंसिंग कर लीजिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि पहले वाटर निकाल लो, बाकी बचे को जो बन सकता है आप उसे बनाइए और देखिए वो प्रॉपर एक नेमिंग में आता है कि नहीं, मतलब सोडियम पोटेशियम, मतलब पहले सोडियम से पहले मेटल्स आते हैं उसके बाद फिर आपका एल्यूमिनेट वाला आता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन वाला बाद में ऐड होते हैं, पहले मेटल्स होते हैं, इस तरह से आपको देखना है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर एनालिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ ही साथ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गेट द फुल चैनल मेंबरशिप।